हाय गाइस, मैं हूं संदीप और आप सभी का लेट्स लर्न इंग्लिश विद संदीप सागर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा गाइस कि हमारे चैनल पे स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ चल रही है और आज डे 6 है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। अक्सर हम लोग हिंदी के वाक्य में लगना वर्ड सुनते होंगे, जैसे कि वह मेरे चाचा लगते हैं, वह हीरो की तरह लगता है, सच्चाई कड़वी लगती है ना। ऐसा लगना वर्ड अक्सर हिंदी के वाक्यों में आता है। आज हम जानेंगे कि उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, ये वीडियो फुल वॉच करें, कंप्लीट वॉच करें और बहुत ध्यानपूर्वक देखें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप एक भी वीडियो लेक्चर को मिस ना कर पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें गाइस। यूज ऑफ लगना, पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग समझेंगे गाइस। पहला पॉइंट है रिलेशन। जब भी हम लोग रिलेशन बताते हैं हिंदी में तो उसमें लगना आता है। एग्जांपल देखिए, वह मेरे चाचा लगते हैं या फिर वह मेरी चचेरी बहन लगती है, दोनों में लगना आ रहा है गाइस। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, अगर यहाँ पर लगना को हटा दिया जाए और ऐसा बोला जाए वह मेरे चाचा हैं, तो क्या सेंस बदल जाएगा? वो तो मेरे चाचा ही रहेंगे, है ना। तो लगना लगाने से या हटाने से सेंटेंस का सेंस नहीं बदलता है। तो वैसे शब्द जिसको लगाने से या हटाने से सेंटेंस का सेंस नहीं बदलता है तो उस शब्द की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखते हैं। यहाँ पर आप सिंपली इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आप बोलेंगे ही is my uncle, he is my uncle। और इसके लिए आप इंग्लिश बना सकते हैं she is my cousin, she is my cousin। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर चचेरी बहन लिखा हुआ है तो यहाँ पर कजन सिस्टर होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप सिस्टर का प्रयोग नहीं करते हैं, आप सिर्फ कजन बोलेंगे। यहाँ पर सी लगा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि सामने वाला फीमेल है और फीमेल है तो बहन होगी, तो सी इज माई कजन। आप ऐसे सिंपली बना सकते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है गाइस नेचर या नेचुरल। एग्जाम्पल देखिए, चीनी मीठी लगती है ना, यहाँ पर भी लगना आया। अगर आप बोलते हैं चीनी मीठी होती है या फिर चीनी मीठी है तो क्या सेंस बदल जाता है? नहीं बदलता ना। तो यहाँ पर भी लगना के लिए कोई खास वर्ड नहीं आता है। आप इसके लिए बनाते हैं शुगर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट। हमारा अगला एग्जाम्पल है गाइस सच्चाई कड़वी लगती है, यहां पर भी लगना आया। अगर आप बोलते हैं सच्चाई कड़वी होती है तो क्या सेंस बदल जाती है? नहीं, मतलब वही होता है ना। तो आप इसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं Truth is bitter, है ना। अब हमारा अगला पॉइंट है गाइस जब कोई किसी के जैसा लगता हो, है ना। एग्जाम्पल देखिए, वह कोहली के जैसा लगता है, यहां पर भी लगना आया। लेकिन अगर मैं बोलूं वह कोहली के जैसा दिखता है तो क्या सेंस बदलता है? नहीं ना। तो यहाँ पर भी लगना के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं आती है गाइस। आप इसके लिए बना सकते हैं ही लुक्स लाइक कोहली, ही लुक्स लाइक कोहली। यहाँ पर एस का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है गाइस क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है,
जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर एस नहीं लगाना है। देखिए, वह करीना के जैसी लगती है, यहाँ पर भी लगना वर्ड आ रहा है, आप इसके लिए बोल सकते हैं सी लुक्स लाइक करीना, है ना। अब यहां पर हमारा अगला पॉइंट है गाइस, जब किसी पर कुछ अच्छा लगता है ना, अक्सर हम लोग बोलते हैं ना लाल कलर तुम पे अच्छा लगता है ना। तो देखिए, लाल रंग तुम पर अच्छा लगता है, इसके लिए आप बोलते हैं रेड कलर सूट्स यू, लाल रंग तुम पर अच्छा लगता है, यहां भी लगना आ रहा है। या फिर हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि लाल रंग तुम पर जचता है, दोनों की सेंस में कोई फर्क नहीं है। तो आप जचता है बोले या फिर अच्छा लगता है बोले, इंग्लिश सेम होगी, रेड कलर सूट्स यू। अब यहां पर देखें, लंबे बाल तुम पर अच्छे लगते हैं, यहां पर लगते हैं हो जाएगा गाइस, लंबे बाल तुम पर अच्छे लगते हैं, इसके लिए आप बोलते हैं लॉन्ग हेयर सूट्स यू, लॉन्ग हेयर सूट्स यू। हमारा अंतिम पॉइंट है गाइस, जब कुछ अचानक शुरू हो जाए, मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है ना, और उसको अचानक से कोई डांटने लगता है तो वो रोने लगता है, अचानक से रोने लगता है ना, तो इसके लिए आप इंग्लिश में बनाते हो ही begins to cry, he begins to cry। यहाँ पर s का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इस सेंटेंस को आप एक और तरीके से बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं he starts crying। ध्यान देने वाली बात यह है गाइस कि जब आप बिगेन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर इन्फिनिटिव आता है, टू के साथ वर्ब आता है, लेकिन जब आप स्टार्ट का प्रयोग करोगे तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी, आप बोलेंगे ही स्टार्ट्स क्राइंग। एक और एग्जांपल देखिए, पापा डांटने लगते हैं, मतलब अचानक से डांटने लगते हैं, आप बोलेंगे डैड begins to scold, या फिर आप बोल सकते हैं dad starts scolding, आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अंतिम सेंटेंस है गाइस, लास्ट सेंटेंस, सर डांटने लगे, और ये पास्ट में है गाइस, तो इसके लिए आप बिगेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, आप बोलते हैं सर बिगेन टू स्कॉल्ड, या फिर आप चाहें तो स्टार्ट की मदद से भी बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं सर started scolding, आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंटेंस को ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ये थे गाइस, डे सिक्स में हमने जाना कि लगना के इस्तेमाल कहाँ करते हैं सेंटेंस में और इसका मीनिंग क्या होता है। आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप एक भी वीडियो लेक्चर मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। Till then, take care and good luck.